अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में बोलना शुरू किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत अपने भारत जोड़ो यात्रा से की, लेकिन जल्द ही उनका रुख आक्रामक हुआ और वो केंद्र पर एक एक करके कई गोले उन्होंने दागे। उन्होंने तनावग्रस्त मणिपुर की स्थिति, वहां पीएम के न जाने से लेकर कई तीखे हमले किए। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, मारा आपने मणिपुर के लोगों को, मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। और अपने 37 मिनट लंबे भाषण के बाद जैसे ही राहुल गांधी बैठे, उनकी प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी ने जवाब देना शुरू किया और अपने तेज तर्रार स्वभाव और विस्फोटक भाषणों के लिए मशहूर बीजेपी सांसद ने निराश नहीं किया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के भारत माता की हत्या वाले बयान पर जश्न मनाने के लिए कांग्रेस और विपक्ष की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश का अपमान है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते, कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। चाहते हैं कि मणिपुर पे चर्चा हो, महिलाओं मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्धे राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागे ये हम नहीं, भागे ये और हम नहीं। भागने के पीछे कारण क्या? क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, पर्ते जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे।